हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं ओवेरियन सिस्ट के अबाउट, जो कि यह एक बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट भी देखे होंगे, या किसी ने आपको बताया होगा देख करके कि आपको ओवेरियन सिस्ट हो गया है, फॉलिकुलर सिस्ट हो गया है। पूरी वीडियो में बने रहें और समझें कि ये ओवेरियन सिस्ट क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसमें आपको क्या लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, और इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बिल्कुल मेडिसिन से ये ट्रीटेबल है, बिल्कुल मेडिसिन से ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। ओवेरियन सिस्ट, ओवरी, जैसा कि आपको पता है कि यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि एक पेयर में होता है, एक जोड़ी में होते हैं, दो की संख्याओं में होते हैं, जो कि यूट्रस के दोनों तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड, जो कि फेलोपियन ट्यूब से अटैच होते हैं। ओवेरियन सिस्ट के अबाउट, जब ओवरी में या ओवरी के सरफेस पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन करके उसमें फ्लूड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये ओवरी में हुआ है तो इसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ये आपको किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है, वो तो आप टीनएजर्स हो, या बीच वाले एज हो, 25-30 की एज हो, या फिर मेनोपॉज का समय आ रहा है, 40-45 की समय आ रहे हैं, उस कंडीशन में ये ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो टीनएजर्स ले लें, मेनोपॉजल ले लें, या किसी भी एज ग्रुप को ले लें, इस कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट बहुत ज्यादा, बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा है। ओवेरियन सिस्ट क्यों ये डेवलप होता है? जैसा कि आपको पता है कि हर एक महीने एग का फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल रप्चर होता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी प्रोसेस होता है, आगे चल के कॉन्सेप्शन का भी प्रोसेस होता है रप्चर होने के बाद। लेकिन अगर किसी भी कारण से फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ और वहां पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना करके, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना के उसमें फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो गया। फ्लूड का एक्यूमुलेशन मीन्स क्या? या तो वो वाटर होगा, या पस होगा, या फिर ब्लड होगा, जो कि वो सैक में एक्यूमुलेट हो गए और सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और वो ओवरी में हुआ है तो ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। किसी भी कारण क्या? हार्मोनल डिसबैलेंस, अगर हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है तो वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता है। अब फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तो वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, फॉलिकल जब रप्चर नहीं होगा, रप्चर हो गया तो सारी प्रोसेस सही हो रहे हैं, और रप्चर नहीं हुआ तो वो सिस्ट बना लिए और ये प्रॉब्लम आगे आपको डेवलप होगा। ये टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट जिसे कि फॉलिकुलर सिस्ट कहा जाता है, फॉलिकुलर सिस्ट जो कि ये नॉर्मली भी ठीक हो जाते हैं, कुछ दिनों पर वेट करने से भी ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम रहते हैं तो ये इजिली डिजॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। जब 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, ये तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, इसमें कोई लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब 5 सेंटीमीटर से इसके साइज ज्यादा बड़ा होने लगते हैं तो आपको इसमें लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स सिस्ट में भी आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। बातें करते हैं कि इसमें आपको क्या लक्षण दिखलाई पड़ता है। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो मैंने बताया कि 5 सेंटीमीटर से कम है तो कभी कभी एसिम्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जब इसके साइज बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारे लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं। जैसे क्या? लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में, पेल्विक एरिया में, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास, वहां पे आपको दर्द होता है, स्टिचिंग पेन होते हैं, चुभन जैसी दर्द होती है जो कि असहनीय लगता है। दूसरा होता है कि जिस ओवरी में, जैसे मैंने बताया राइट साइड और लेफ्ट साइड है, तो जिस तरफ होंगे उस तरफ आपको दर्द होंगे, स्टिचिंग चुभन जैसी दर्द होगी, आपको बैकेक होंगे, बैक में, कमर में भी दर्द देखने को मिलता है, जांग थाई के पास भी आपको दर्द देखने को मिलता है। दूसरा जो देखने को मिलता है, पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, इरेगुलर पीरियड, पीरियड जो आने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आने वाले हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में होगा, या कभी कभी
होगा ही नहीं, कभी कभी स्कैंटी होगा, थोड़ा सा मात्रा में होगा, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पिशाव लगना, नौजिया वॉमिटिंग, ओवेरियन सिस्ट के कंडीशंस में बहुत ज्यादा उल्टी जैसा मन लगना, बहुत ज्यादा मिचली आना, मूड फ्रेश नहीं लगना, मन फ्रेश नहीं लगना। अगर पीरियड साइकिल सही से महीने में हो तब तो सही लगे, जब हार्मोन का ही डिसबैलेंस हो गया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी, जब वहां पे अच्छे से एग ही नहीं आएगा, एग ही नहीं निकलेगा, फॉलिकल रप्चर ही नहीं होगा, हार्मोन का डिसबैलेंस रहेगा, तो क्या कंसीव होगा, क्या कॉन्सेप्शन होगा, क्या नहीं, तो इनफर्टिलिटी तो डेवलप होंगे ना। ये है आपके बेहतरीन सिम्टम, अगर ओवेरियन सिस्ट का कंडीशन है तो ये सिम्टम्स आपको बिल्कुल दिखलाई देंगे। और आजकल ये ओवेरियन सिस्ट होने का बहुत ही बड़ा कारण क्या है, सेडेंट्री लाइफ, खा पी के आराम से सोना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड का यूज करना है, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है, खाना है आराम में चले जाना है, फैटी, बहुत ज्यादा फैटी है आप, थायराइड का प्रॉब्लम है आपको, तो उस कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो तुरंत आप कांटेक्ट करें, बिल्कुल ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। जब आपको पता चले कि बहुत ज्यादा ये परेशान नहीं कर रहा है तो आप एक्सरसाइज करिए ना, हार्मोन डिसबैलेंस को ठीक करिए ना, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करिए, हेल्थ को सही रखिए, टाइम टेबल खाना खाइए, सारी प्रक्रिया टाइम टेबल करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जगें, टाइम पे एक्सरसाइज करें, टाइम पे खाएं और स्वच्छ भोजन करें, देखिए ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा परेशानी कर रहा है तो आप तुरंत, आपको पता जैसे ही चलता है आप अल्ट्रासाउंड कराएं या डॉक्टर के कंसल्ट में जाएं, वो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे और पता चल जाएगा कि आपको ओवेरियन सिस्ट हुआ है जिस कारण से ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, और बिल्कुल मेडिसिन से ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर ट्रीटमेंट के अबाउट आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको इस पर व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है मैं, और उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इजिली ठीक हो जाता है। आशा करता हूं इस ओवेरियन सिस्ट के अबाउट आप अच्छे से समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।